यवतमाल जिले के दिगरस तहसील में तुपटाकली गांव के समीप टोल टैक्स पर गैर वापसी तरीके से टोल वसूला जा रहा है, जिसके खिलाफ दिगरस शहर के सर्वदलीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शनिवार को इकट्ठा आते हुए टोल वसूली प्रक्रिया को बंद करने की मांग उठाते हुए इस संदर्भ में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन सौंपने का मन बना लिया है। दिगरस तहसील के तुपटाकली गांव के करीब में स्थित टोल नाका दिगरस शहर तथा परिसर वासियों के लिए जी का जंजाल बन गया है। इस विषय में स्थानीय विश्राम गृह में शनिवार को सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें इस विषय में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन सौंप कर इस बाबत शिकायत करने के संदर्भ में सहमति बनी। परिसर के किसानों से वाहन चालकों तक यहाँ गैरवाजबी तरीके से टोल वसूला जा रहा है। राज्य महामार्ग का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। दिगरस से दारवा और दिगरस से आर्नी मार्ग पर कई जगहों पर रास्ता अपूर्ण है। कई जगह पर राज्य महामार्ग का काम निर्माणाधीन अवस्था में है। ऐसे में राज्य महामार्ग के रास्तों के काम को पूरा किए बिना ही जनता से टैक्स वसूला जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गैरकानूनी है। इस पर तत्काल रूप से रोक लगाना जरूरी है। इस आशय की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ऍक्च्युअली तसं पाहिलं तर नियमानुसार 45 किलोमीटर पर्यंत या टोल टॅक्सचा अग्रीमेंट होपर्यंत हा टोल वसुली करू शकत नाही, परंतु रस्त्याचं काम अर्धवट असून टोल टॅक्स सुरू झालेला आहे। हा टोल जी वसुली आहे बेकायदेशीर टोल वसुली आहे। नाईच्या आणि नाई पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांचं असं म्हणणं आहे की 45 किलोमीटर रस्ता आर्नीच्या दारव्यापर्यंत पूर्ण झालेला आहे, परंतु तुटक झालेला आहे। तशा प्रकारचं जी पद्धत आहे ती पद्धत नसते। सगळ्यांच्या म्हणण्यानुसार आणि अग्रीमेंटनुसार पूर्ण रस्ता अखंड 45 किलोमीटर जर तो अग्रीमेंटनुसार कम्प्लीट झाला असेल तरच त्याला टोल वसूली करता येते। या टोलला आम्ही सर्वपक्षीय सगळ्या दिग्रसकरांसाठी विरोध करतो आणि या प्रकारचं निवेदन आम्ही माननीय मंत्री नितीनजी गडकरी साहेब यांना आम्ही द्यायचं आहे आणि त्यांच्याकडून या प्रकारचं हा टोल बंद करण्याबद्दल एक आदेश पारित करून आहे। या टोल नाक्यामध्ये इजा करणारे ते दिग्रस शहरामधील जे कास्तकार आहेत, जे काही जवळपासचे लोक आहेत, त्या सर्वांना अनाधिकृतपणे टोल नाक्यावर सक्तीची वसुली केली जात आहे। येण्यासाठी जाण्यासाठी शुल्क आकारले जात आहे, परंतु हे टोल नाका त्यांनी जरूर चालू ठेवावा, परंतु पूर्ण रस्ता झाल्यानंतर रस्ता आज अपूर्ण आहे तरीही त्या टोल नाक्यावर आज टोलची वसुली केल्या जात आहे। या सर्व टोलच्या वसुलीच्या विरुद्ध आम्ही सर्व राजकीय पक्षातर्फे त्याचा आम्ही निषेध करतो आणि तो टोल तात्पुरत्या स्वरूपात तरी बंद करण्यात यावा, यासाठी केंद्रीय परिवहन मंत्री माननीय नितीनजी गडकरी साहेब यांना आम्ही सर्वपक्षीय विवेकाका बंगिनवार यांच्या माध्यमातून भेट घेणार आहे आणि दिग्रस शहरामध्ये असलेली वास्तविक परिस्थिती आम्ही त्यांना सांगून जो काही आदेश ते पारित करतील हे सर्वांना मान्य असेल असं सांगतो आणि थांबतो। धन्यवाद। इस बैठक में राज्य महामार्ग की सुस्त कार्यप्रणाली और टोल टैक्स से परेशान हो रहे परिसर के किसान और नागरिकों की समस्या पर जल्द ही समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन का रास्ता अपनाए जाने के विषय में भी सोच विचार किया गया। टोल वसूली को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान का हवाला देते हुए इसे बंद करने की मांग भी उठी। माननीय नितिन जी गडकरी साहब यांनी संसदेत सांगितलेले आहे की मैं सभी टोल इस देश में के बंद करने के विचार में हूं और मैं उसकी अंमलबजावणी जल्द से जल्द करूंगा। माननीय नितीन जी गडकरी आमच्या विदर्भाचे नेते आहेत, सन्माननीय आहेत आणि एक विश्वासपात्र विदर्भाचे नेत्यामध्ये त्यांची सुद्धा गणना केली जाते। तर मी माझी नितीन गडकरी साहेबांना विनंती आहे की हे टोल आजच नाही कधीच चालू नसावं, जेणेकरून आधीच आम्ही आमचे कास्तकार आत्महत्या करतायत, नापिकीमुळे कोणत्याही प्रकारचा उद्योगधंदा इथे नाही, इथून यवतमाळला नागपूरला जाणारे येणारे दिग्रस्त आणि आजूबाजूच्या परिसरातील लोक यांना हा नाहक त्रास आहे असं मला वाटते। या आंदोलनाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा पूर्ण पाठिंबा राहील, तो संपूर्ण बंद झाला पाहिजे ही आमची मागणी। मेरी घेती तूप टाकली पर आहे, तूप टाकली टोल नाके से 1 किलोमीटर दूर है। अब मेरे को रोज जाना आना पड़ता तो उसके लिए मैं टोल जू गया। मेरा यहाँ से दिग्रस से निकला तो अर्जी के पहले और गया यवतमाल जाने का रहा तो वो 30 किलोमीटर तो नहीं रहता, मेरे को वहां पर भी टोल देना पड़ता, वापिस आया वहां पर टोल देना पड़ता, वापिस आया दिग्रस टोल देना पड़ता। स्थानीय लोगों के लिए ये छूट होना चाहिए। MH 20 दिग्रस पासिंग अगर कोई गाड़ी रही तो उनसे पैसा नहीं लेने
चाहिए ऐसी मेरी मांग है। नितिन गडकरी साहब वैसा नितिन गडकरी साहब ने ये बोले वाला है कि कोई भी टोल नाके की पास 24 घंटे तक वैलिड रहती है, पर ये तो जाने में भी पैसे ले रहे, आने में भी पैसे ले रहे। आर्मी दिग्रस पासून जवळपास 7 किलोमीटर अंतरावर असलेला आर्मी रोडवरील हा टोल बंद व्हावा या मागणीसाठी आमचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार गट यांचा संपूर्ण पाठिंबा आहे। आज जिसने मीटिंग जमी टोल नाके की से, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकर्ता इस नाते से जाहिर पाठिंबा देता हूं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले ही जनता राज्य महामार्ग के अधूरे रास्तों से तकलीफें बर्दाश्त कर रही है। ऐसे में टोल टैक्स की गैरवाजबी वसूली आम जनता के लिए आर्थिक प्रताड़ना बन चुकी है, जिसे या तो तत्काल बंद करने अथवा टोल टैक्स वसूली प्रक्रिया में परिसर के किसानों और आम नागरिकों को सहूलत दिलाने की मांग उठ रही है। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।